हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वाटर टैंक की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम छत पे वाटर टैंक रखते हैं तो उसकी सही पोजीशन होना जरूरी है, नहीं तो दोस्तों बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, वाटर टैंक जो हम छत पर रखते हैं उसकी जो लोकेशन है वो सही होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों हमारे कॉलम या फिर बीम या फिर छत में दोस्तों लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। और बहुत सी जगह पर मैंने देखा है दोस्तों कि जो वाटर टैंक है वो गलत जगह पर रखी है और जिसकी वजह से बाद में दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है उसको रिपेयर करने में। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ कि वाटर टैंक की सही पोजीशन कौन सी है, कहाँ पर रखें, कैसे रखें, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो वाटर टैंक दोस्तों जिसका जो वेट होता है बहुत हैवी होता है, राइट, कई बार जगह छोटी होता है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, बट जहाँ पे दोस्तों 1000, 2000 या फिर 5000 लीटर की वाटर टैंक आती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वाटर टैंक की पोजीशन क्या होनी चाहिए, घर के ऊपर कैसे रखनी चाहिए, वो भी दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि वाटर टैंक की कौन कौन सी कैपेसिटी आती है। सबसे कम दोस्तों 500 लीटर, जो इसका वेट दोस्तों 500 केजी मतलब आधे टन के करीब होता है। उसके बाद 750, 1500, 2000, 3000, 5000 तक की कैपेसिटी वाली वाटर टैंक मिल जाती है। तो जैसे दोस्तों कैपेसिटी बढ़ती है जो वाटर टैंक है उसका वेट भी बढ़ता है। 5000 लीटर अगर आप कैपेसिटी वाली टैंक अपने टेरेस पे रखेंगे, छत पे रखेंगे, तो उसका वेट करीबन दोस्तों 5 टन के करीब हो जाएगा, मतलब दोस्तों 5000 केजी के करीब उसका वेट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा वेट है हमारे जो छत के लिए। तो अब बात करेंगे कि पानी की टंकी को अगर सिर्फ बीम पर अगर रखा जाए तो क्या होगा। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि अगर आपने अपनी पानी की टंकी को बीम पर ही रख दिया सिर्फ, ठीक है, सेंटर में, तो क्या होगा। बीम पर मतलब कहाँ, कौन सी पोजीशन पर रखा जाएगा। बीम पर मतलब अगर ये हमारा बीम है, ठीक है, और यहाँ पर हमने अपनी वाटर टैंक रख दी तो क्या नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पर अगर हम वाटर टैंक रखेंगे तो बीम पर लोड आएगा और बीम जो है हमारा बेंड हो जाएगा। ठीक है, बेंड होने से क्या होगा, बीम जो है कहीं क्रैक पड़ सकता है या फिर कभी दोस्तों टूट भी सकता है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी हमें हमारे जो बीम है डायरेक्ट बीम पर हमें पानी की टंकी नहीं रखनी है। ठीक है, देखिए शुरुआत में ये धीरे धीरे होता है, हमें पता भी नहीं चलता है, पर 2-3 सालों बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद बीम पे क्रैक पड़ते हैं। और एक बार दोस्तों कंक्रीट में क्रैक पड़ गया तो उसे रिपेयर करना बहुत ज़्यादा खर्चीला और दोस्तों बहुत मतलब फिजिबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम पानी की टंकी को सिर्फ कॉलम पर रख दें तो क्या होगा। जैसे कि जहाँ पे हमारा कॉलम है वहाँ पे अगर हम अपनी पानी की टंकी को रख देंगे तो क्या होगा। देखिए कॉलम इस तरह से लोड बेयर करता है मेनली कंप्रेशन पर, ज़्यादा लोड आने पर कॉलम क्या होता है, बेंड होने लगता है। ठीक है, तो ये सेम सिचुएशन मेरे घर में भी है। मेरा जो छत के ऊपर पानी की टंकी सिर्फ कॉलम पर रखी गई थी, उसके बाद धीरे धीरे अब दोस्तों वो कॉलम के अंदर क्रैक हो गया। क्रैक हो गया मतलब उसमें बकलिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट होती है। बकलिंग होने से क्या होता है, कॉलम इस तरह से बेंड हो जाता है। कॉलम की स्टील है वो इस तरह से बेंड होता है, अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो जाता है और कॉलम के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन यही होगा कि आपको कॉलम को की जो स्टील है उसको निकाल के उसको नया कॉलम आपको खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमें दोस्तों डायरेक्टली कॉलम पर भी हमारी जो टंकी है वो नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे कि पानी की टंकी की दोस्तों सही पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पानी की टंकी की सही पोजीशन होगी कॉलम और बीम का जो जंक्शन बनता है वहाँ पर हमें हमारी जो पानी की टंकी है रखनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टील है वो कॉलम और बीम का जो जंक्शन होता है वहीं पे लगता है। स्टील ज़्यादा होता है तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो लोड कैरिंग का कैपेसिटी है वो जंक्शन की वो बाकी के कंपेयर में ज़्यादा होती है। डायरेक्टली हमें जो अगर कॉलम बीम के जंक्शन पे रखेंगे, और दोस्तों हमारा जो कॉलम और बीम का जंक्शन है सबसे मजबूत माना जाता है, तो हमें जो पानी की टंकी रखनी है वो कॉलम और बीम, देखिए ये कॉलम है और ये बीम है, तो इसका जो जंक्शन बनेगा वहाँ पे हमें रखनी है। ठीक है, दूसरी बात की अगर आप पानी की टंकी से क्या होता है कि कई बार जो है पानी की टंकी में लीकेज होने से आजू बाजू दोस्तों पानी रहता है हमेशा, उसकी वजह से हमारा जो है वो स्लैब के अंदर लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम को बचने के लिए हमें करीबन 6 इंच का एक
प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, कंक्रीट का हो या कोई भी और चीज़ का, लकड़े का या फिर कोई ब्लॉक का आप बना सकते हैं, उसके ऊपर पानी की टंकी रखेंगे तो हमारी जो स्लैब है उसको भी कम नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था दोस्तों आज के वीडियो में कि पानी की टंकी की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो पानी की टंकी की सही पोजीशन होनी चाहिए कॉलम और बीम के जंक्शन में ही आपको रखना है। अगर सेंटर में रखेंगे तो बीम पे क्रैक होगा और कॉलम पे रखेंगे तो कॉलम में क्रैक होगा। और दोस्तों सबसे मजबूत जो जंक्शन है वो हमारा कॉलम और बीम का जंक्शन होता है। तो यही पोजीशन पे आपको दोस्तों पानी की टंकी रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा।